डेंगू की तादाद कुल पूरी कराची में ज़्यादा है। कॉन्गो फीवर जो फैलेगा उससे लोग मर भी सकते हैं। 2000 जो हमारे पेशेंट्स हैं 2000 से कुछ ज़्यादा हैं, वो जो है ज़्यादातर घरों में हैं और कुछ अस्पतालों में हैं। अस्पतालों में मेरा इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल भर गया है, डॉक्टर उधर मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं डेंगू के, क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटी है। सो पहला रुजू जो होता है लोगों का वही होता है। JPMC में भी खासी तादाद है। ये जो है आप जो है मुझे इतला बताएं कि किधर डेथ हुई है तो मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगी, लेकिन मैं ये जो मुझे रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई डेथ अभी तक नहीं हुई। अगर आप कह रहे हैं क्योंकि ऑफिसर की डेंगू से डेथ हुई है तो ये बताना चाहिए आपको कि किधर हुई है, क्यों हुई है। और प्लेटलेट्स की भी जहाँ बात हुई है तो प्लेटलेट्स हम मुहैया कर रहे हैं। RBC हमारा रीजनल ब्लड सेंटर फातमित का जो है वो प्लेटलेट्स मुहैया कर रहा है डेंगू के पेशेंट्स को। डेंगू की तादाद कुल पूरी कराची में ज़्यादा है और दूसरे इलाकों में कम नहीं आ रही है। डेंगू 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे सिंध में, और इसमें ज़्यादातर हमारे पास ऑब्वियसली कराची और हैदराबाद में हैं, कुछ थरपारकर में हैं, वो इस तरह से हमारे केसेस हैं। एक दो और डिस्ट्रिक्ट्स में एक या दो या तीन इस तरह के केसेस हैं, वो भी इम्पोर्टेड होते हैं कराची से। ज़्यादातर लोकल जो है डेंगू स्प्रेड नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुझे डर अभी और एक मजीद ये है कि क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर का एक परेशानी है, क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत सारे जानवर आए हैं और हमने लाइफ स्टॉक वालों से बात की है कि उनकी जो है वैक्सीनेशन हो जाए उन जानवरों की, ताकि वो जो है कॉन्गो फीवर जो फैलेगा उससे हम जो है लोग मर भी सकते हैं, वो जो है उसको उसकी रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी इकदाम उठाने हैं।